अच्छा, ये हम लोग स्टैथो के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको एसक्यूएलआईट स्टूडियो के बारे में बताया। इसके अंदर मसले मसाइल क्या थे कि जब हमने डेटाबेस के अंदर चेंजेस देखनी है कि कौन सा डेटा इंसर्ट हो रहा है या डिलीट हो रहा है या स्ट्रक्चर अपडेट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए डेटाबेस की फाइल को यहाँ से एमुलेटर से मुझे कॉपी करना पड़ रहा है, और कॉपी करने के बाद मैंने डेस्कटॉप पे स्टोर किया, और स्टोर करने के बाद फिर मैंने इस फाइल के साथ कनेक्टिविटी की, और कनेक्टिविटी करने के बाद मैं देख सकता हूँ। तो ये बहुत हेक्टिक किस्म का टास्क है, खासतौर पे जब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और आपको लाइव चेंजेस देखनी हो कि लाइव डेटाबेस के अंदर डेटा अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद हम लोग मूव कर गए स्टैथो के ऊपर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है स्टैथो। स्टैथो बेसिकली एक टूल है जो कि टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं एज अ ब्रिज काम कर रहे होते हैं। बाकी ये चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। स्टैथो पर आ जाते हैं जो कीन हमारा आज का टॉपिक है। अच्छा, स्टैथो को जो है ना कन्फिगर करना पड़ता है। आप अपने एप्लीकेशन के अंदर इसको जाके कन्फिगर करेंगे, और कोई ऐसा चीज़ आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती। सही है। स्टैथो के लिए मैंने अभी पहले आपको स्टेथोस्कोप की एग्जांपल भी दी, जो कि डॉक्टर के पास होता है। जब आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास एक डिवाइस होती है जिसके दो एंड उसने कानों पे लगाए होते हैं, और एक एंड वो पेशेंट को चेक कर रहा होता है। उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो वही वर्ड यूज हो रहे हैं यहाँ पे स्टेथो। तो समझ लें कि आपकी एप्लीकेशन को ये चेक कर रहा होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे फंक्शनैलिटीज हैं। हम तो एक छोटी सी फंक्शनैलिटी देख रहे हैं कि डेटाबेस के साथ लाइव अपडेट्स हमने देखनी हो वो किस तरह से देखनी हो, नेटवर्किंग की कॉल्स देखनी हो, उस तरह से। और भी इसकी फंक्शनलिटीज हैं, वो आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। पहला काम ये होता है कि हम स्टेथो की जो डिपेंडेंसी है उसको जाके ऐड करते हैं ग्रेडल की फाइल के अंदर। अच्छा, ग्रेडल की दो फाइल्स होती हैं, एक मॉड्यूल ऐप और एक आपकी जो एप्लीकेशन होती है उसके नेम से आ रही होती है। तो हमने जो मॉड्यूल ऐप वाली ग्रेडल की फाइल होती है उसमें जाएंगे, और उसमें जाके सबसे पहले ये लाइन ऐड करेंगे। अच्छा, पहले यहाँ पे कंपाइल लिखा हुआ था, तो कंपाइल का जो कीवर्ड है वो डेप्रिसिएट हो गया, यानी कि उसकी सपोर्ट नहीं हो रही, मजीद हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो दूसरा काम क्या करते हैं, हमारी जो मेन एक्टिविटी होती है, जो लॉन्चर एक्टिविटी होती है, उसके अंदर जाते हैं, और उसकी ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर, यानी कि पहली एक्टिविटी के मेन मेथड के अंदर जो कि ऑन क्रिएट होता है, उसमें जाके हम जाके ये लाइन लिख देते हैं कि स्टैथो को इनिशियलाइज कर, स्टैथो डॉट इनिशियलाइज विद डिफॉल्ट्स, और दिस पास करवा देते हैं। दिस का आपको पता है कि जो करंट क्लास होती है उसके ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। स्टैथो डॉट इनिशियलाइज विद डिफॉल्ट्स, यानी कि जो भी इसके डिफॉल्ट सेटिंग है ना उसके साथ इसको इनिशियलाइज कर दे और दिस पास करवा दे। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, फिर डेफिनेटली एप्लीकेशन को रन करेंगे, अगर टेस्ट करना है एप्लीकेशन को रन करते हैं, और जब एप्लीकेशन रन हो जाती है उस टाइम पे हम जाते हैं। अब लाइव अपडेट देखनी है, देखना गूगल क्रोम ओपन करेंगे, बेहतर ये है कि गूगल क्रोम ही आप यूज करें, और जो यूआरएल बार होता है जहाँ पे आप लोग www.google.com/xyz कोई भी साइट ओपन करने के लिए जहाँ पे यूआरएल हिट करते हैं, वहाँ पे लिख देंगे क्रोम और कोलन, उसके बाद forward slash और उसके बाद इंस्पेक्ट लिख देंगे। सही है। जब ये लिखेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन का नेम है वहाँ पे अपेयर हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं मज़ीद आपको आगे बताता हूँ कि हमने करना क्या। सही है। कोड पे आ जाते हैं, और ये देखें ये ग्रेडल स्क्रिप्ट्स और ये मॉड्यूल है वाली ग्रेडल की फाइल है, इसको ओपन कर दिया, पहले से ओपन थी। और ये डिपेंडेंसीज के सेक्शन में जाएंगे, डिपेंडेंसीज के सेक्शन में जाके ये देखें लास्ट लाइन ऐड की हुई है, इम्प्लीमेंटेशन com.facebook.stetho और stetho 1.5.1, ये हमने ऐड कर। ठीक है, पहला काम ये किया। दूसरा काम क्या करेंगे, ये मेन एक्टिविटी में आ गया मैं, ये हमारी मेन एक्टिविटी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, हेल्पर की क्लास को भी क्लोज कर। ऐप में गए जावा, और जावा के अंदर आपका जो पैकेज नेम होता है इसके अंदर गए, और ये हमारी मेन एक्टिविटी आ गई, पहले से ओपन थी, पाथ दिखा दिया कहाँ से ओपन किए। यहाँ पे ये देखिए हमारा ऑन क्रिएट का मेथड, जो हमारा हम कहते हैं कि हमारा मेन मेथड की तरह काम कर रहा होता है, इसके अंदर आए, और यहाँ पे जाके स्टार्टिंग में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, स्टैथो डॉट इनिशियलाइज विद डिफॉल्ट, स्टैथो को इनिशियलाइज कर दे स्टैथो के ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्लास का रेफरेंस है और डॉट एक मेथड पड़ा हुआ है इनिशियलाइज विद डिफॉल्ट्स, और यहाँ से दिस पास करवा। सही है। तो हमने जो कॉन्फ़िगरेशन का काम करना था वो कर लिया। ये साइड विंडो और डिवाइस एमुलेटर को भी मैं क्लोज करूँ यहाँ पे। सही है। डिवाइस एमुलेटर को भी अब मुझे ओपन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब मैं अपने एप्लीकेशन को रन करने की तरफ आता हूँ। एक मिनट,
और ये मैंने कोड को रन कर देता हूँ, ये मैंने कोड को रन कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब स्टेटो की कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दी है, वो जो दो स्टेप्स मैंने बताए थे वो मैंने ऐड कर दिए। अब उनको ऐड करने के बाद मैंने प्रोजेक्ट को रन किया। अच्छा, इसको कॉन्फ़िगर करना सीख लें, ये बहुत अच्छा टूल है। देखना, अभी मैं इसकी आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। आई थिंक ये रन हो गई एप्लीकेशन। अब मैं इसकी आउटपुट स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ एप्लीकेशन की। ये एप्लीकेशन की आउटपुट स्क्रीन है, एंटर योर नेम, एंटर योर एज, सही है। तो एंटर योर नेम के अंदर मैंने लिख दिया फराज और एज के अंदर लिख दिया 32, सही है। और मैंने सेव के बटन को प्रेस कर दिया, ये सेव के बटन को मैंने प्रेस कर दिया। अब क्या हुआ, डाटा सेव हो रहा नहीं हो रहा मुझे नहीं पता लगा, ठीक है। अब मैं लाइव अपडेट देखना चाह रहा हूँ, तो अब मैं जाऊँगा ब्राउज़र में और मैं जाके हिट कर देता हूँ, फिर जब आउटपुट आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक मिनट आपसे शेयर कर देता हूँ। ये गूगल क्रोम शेयर हो गया, गूगल क्रोम। यहाँ पे क्रोम लिखा, कोलन लिखा, दो दफा फॉरवर्ड स्लैश लिखा और यहाँ पे हमने लिखना है इंस्पेक्ट, ठीक है, इंस्पेक्ट लिखा। अब इस पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा वेट करें, डिटेक्ट कर लेना चाहिए, देखें डिटेक्ट कर लिया इसने। ऑप्शन का नेम नीचे एंड पे नजर आ रहा होगा, देखें ये पावर्ड बाय स्टेथो लिखा हुआ है और ये SQLite इन क्लास डेमो, ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम था, सही है। अब देखिए मैं इंस्पेक्ट पे जा रहा हूँ और मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दिया, ये डैव टूल्स पे आ गया, अब शेयर हो रहा हूँ, सही है, डैव टूल्स पे आ गए। अब इसके अंदर मुझे जाना है रिसोर्सेज में, ये रिसोर्सेज में चला गया, सही है। अब हम लोग, हमारे जो स्टेप्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ये रिसोर्सेज में गए, रिसोर्सेज में गए और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टैब्स आ रहे हैं, यहाँ पे ये वेब एसक्यूएल का टैब आ रहा है, इस पे गए। अब इस पे देखें, ये हमारा डेटाबेस शो student.db, सही है, student.db का डेटाबेस शो हो गया। इस पे मैंने डबल क्लिक किया और ये नीचे टेबल्स आ गए, स्टूडेंट का टेबल है, ये टेबल पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखें, ये जितना डेटा एंटर कर रहे थे सारा एंटर हुआ है और सारा शो हो रहा है। अभी मैंने लास्ट पे जो एंटर किया फ्राज एंटर किया, सही है, देखिए फ्राज शो पे यहाँ और एज 22। तो मैं एप्लीकेशन पे जाता हूँ और ये एमुलेटर पे आ गया, सही है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ समीर और एज कर दी 17, समीर और 17, और यहाँ पे मैंने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, सही है। और अब मैं वापस आ जाता हूँ टूल के ऊपर, न्यू शेयर, और ये मैं टैब टूल पे वापस आ गया, ठीक है। इसको मैं दोबारा एक्सपेंड कर देता हूँ, रिफ्रेश हो जाए, स्टूडेंट पर आइए, देखिए ये समीर लाइव अपडेट नज़र आ रही है। अभी मैंने एंटर किया और यहाँ पे आपको लाइव अपडेट नज़र आ गई, ये नया रिकॉर्ड आ गया समीर और एज मैंने एंटर की थी 17, सही है। ये जब आप काम कर रहे होंगे ना और मसले मसाइल आ रहे होंगे, फिर आपको पता लगेगा कि ये टूल कितना जो है ना बेनिफिशियल है हमारे लिए। ये मैंने यूज किया।
अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस डेटाबेस के अंदर कोई डेटाबेस के स्ट्रक्चर के अंदर जाके मैं कोई चेंज करता हूँ। सही है, अपने टूल पे वापस आ गए, एंड्रॉइड स्टूडियो पे वापस आ गए। अब हम क्या करते हैं, अब देखें डेटाबेस कहाँ पे बन रहा है, डेटाबेस हमारा कहाँ पे बन रहा है, हेल्पर की क्लास के अंदर, हेल्पर की क्लास में चले गए, यहाँ पे हमारा डेटाबेस बन रहा है, डेटाबेस भी बन रहा है और टेबल्स भी बन रहे हैं। डेटाबेस का नेम हम लोग कंस्ट्रक्टर में से पास करवा देते हैं, डेटाबेस का वर्जन बता देते हैं और कॉन्टेक्स्ट पास करवा देते हैं। सही, और गेट राइट टेबल डेटाबेस का इंस्टेंस बना लेते हैं और उस इंस्टेंस को यूज करते हुए हम लोग डेटा को राइट कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं। इसके अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नया इसके अंदर कॉलम ऐड कर देता हूँ। सही है, एक देखें किया क्या, हमने एक डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया, टेबल का नाम था स्टूडेंट और उसके अंदर तीन कॉलम्स थे, एक आईडी जो कि प्राइमरी की थी, ऑटो इंक्रीमेंट थी, दूसरा जो कॉलम था वो नेम था और उसकी डेटा टाइप टेक्स्ट थी, तीसरा कॉलम एज का था और उसकी जो डेटा टाइप थी वो इंटीजर थी। सही है, ये हमारे टेबल का स्ट्रक्चर था। फिर हमने टेबल के अंदर जाके डाटा ऐड किया, एक फॉर्म बनाया हुआ था छोटा सा, वहां पर यूजर से इनपुट लेते थे और इनपुट लेने के बाद जब बटन पे क्लिक करते थे तो डाटा जाके डेटाबेस पे ऐड हो जाता। अच्छा, ऐड करने के लिए पहले हमने एक एसक्यूएल लाइट स्टूडियो एक टूल यूज किया और उसके लिए क्या करना पड़ता था, हमें पूरी फाइल कॉपी करनी पड़ती थी और उसके बाद कनेक्ट करनी पड़ती। उसके बाद फिर लाइव अपडेट के लिए हमने एक टूल कन्फिगर कर लिया अपने एप्लीकेशन के अंदर जिसका नाम है स्टेथो। सही है, स्टेथो कन्फिगर किया तो अब हमें लाइव अपडेट नजर आ रही है डेटाबेस के अंदर, जो लाइव अपडेट्स हो रही है डेटाबेस के टेबल के अंदर, लाइव अपडेट जो इंसर्ट हो रहे हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। अब देख, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं अपने टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूँ। अब गौर से सुनिए, डीडीएल देखिए, जो डीडीएल की कमांड है क्रिएट टेबल की, क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट और नेम डेटा टाइप टेक्स्ट एज डेटा टाइप इंटीजर, यानी कि कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम है आईडी और सेकंड कॉलम है नेम्स, थर्ड कॉलम है एज और फोर्थ कॉलम में इसके अंदर ऐड कर देता हूँ बायोग्राफी या डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, प्रोफाइल करो, डिस्क्रिप्शन की जगह पे प्रोफाइल का वर्ड यूज कर देता हूँ। प्रोफाइल कॉलम नेम है प्रोफाइल और इसकी जो डेटा टाइप है ये है टेक्स्ट। सही है, अब मैं डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर को मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। सही, तो अब इसको देखते हैं क्या होगा, अब अपग्रेड होगा तो अपग्रेड के अंदर वो देखेगा कि अगर टेबल पहले से एग्जिस्ट करता है इसको ड्रॉप कर दो और ड्रॉप करने के बाद नया क्रिएट कर दो और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक नया नई फील्ड ऐड कर लेते हैं आउटपुट में और यहाँ पे कंटेंट वैल्यूज के अंदर इसको ऐड करवा देंगे और जब इंसर्ट डेटाबेस के अंदर इंसर्ट की कॉल होगी तो यहाँ पर वो चीज़ भी जाके चेंज हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सही, अच्छा इसके लिए इसकी लेआउट फाइल के ऊपर आता हूँ, ये साइड वाले को ऑल्ट वन हाइट कर दिया, इसको एक्सपेंड कर देते हैं और नेम था एज था, इसके बाद एक और एडिट टेक्स्ट ले लेते हैं, एडिट टेक्स्ट और लेआउट विड्थ इज इक्वल टू मैच पेरेंट और हाइट इज इक्वल टू रैप कंटेंट और इसके बाद इंट किसकी हो जाएगी प्रोफाइल, इसकी मैं कर देता हूँ सेव और यहाँ पे टैग क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लीनियर लेआउट यूज करते हैं, अगर आपसे कहा जाए यही काम रिलेटिव को यूज करते हुए तो कर सकते हैं ना, ये काम यानी कि सेम स्टैक के अंदर एलिमेंट्स को प्लेस करने, तो
लीनियर से ज़्यादा आसानी से हो जाते हैं, लेकिन यही काम रिलेटिव से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़े से एट्रीब्यूट्स हमें ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। अच्छा, ये स्टार्टिंग में किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, ये बहुत स्टार्टिंग की बात है, कि आज मुझे याद आ गया कि ये बटन, जब हम लोग बटन के ऊपर टेक्स्ट ऐड करते हैं तो टेक्स्ट जो है ये, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेव तो मैंने ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको स्मॉल में भी लिखता हूँ लेकिन जो आउटपुट पे आ रहा होता है वो ब्लॉक लेटर्स में ही क्यों आ रहा होता है, सही है? ये स्टूडेंट ने बहुत स्टार्टिंग में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे नहीं पता किसने पूछा था। तो ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। टेक्स ऑल कैप्स इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है? आप टेक्स ऑल कैप्स इज इक्वल टू फॉल्स कर देंगे तो ये अब जिस तरह से आप एंटर करेंगे तो ऑल मतलब कैपिटल में नहीं रहेंगे, आप जिस तरह से इसको टेक्स ऐड करेंगे उसी तरह से ये शो कर देंगे। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। एक प्रॉपर्टी होती है ऑल कैप्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दें तो ये मैंने एस कैपिटल रखा था तो एस कैपिटल, अब एस और ए कैपिटल कर देता हूँ, एस और ए कैपिटल हो गया, ये शो हो रहा है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं होता, जो बटन के ऊपर टेक्स्ट होता है वो पूरा जो है कैपिटलाइज ही रखें, ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, ये सिर्फ सोल्यूशन के तौर पे यहाँ पे मैं फर्स्ट जो है ये कैपिटल शो कर रहा हूँ और बाकी सबको स्मॉल कर, सिर्फ सोल्यूशन के लिए बता रहा हूँ कि ये इस तरह से हो सकता है, लेकिन जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो ही ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एंटर नेम हो गया और उसके बाद एज होगी और उसके बाद प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल को हमने आईडी डिफाइन नहीं की, तो यहाँ पे मैं आईडी ऐड कर देता हूँ। आईडी इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट और इसका नेम है प्रोफाइल और नेम है प्रोफाइल, सही। और अब इस प्रोफाइल, ये जो एक नया हमने यहाँ पे यूआई विजिट ऐड किए, एडिट टेक्स्ट ऐड किए, इसको ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एडिट टेक्स्ट एज, एडिट टेक्स्ट नेम, एडिट टेक्स्ट एज, इसके साथ कर देते हैं एडिट टेक्स्ट प्रोफाइल, प्रोफ पी आर ओ एफ, पूरा कर देते हैं, प्रोफाइल कर देते हैं, एडिट टेक्स्ट प्रोफाइल। अब इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिट्रीव कर लेते हैं, एडिट टेक्स्ट प्रोफाइल इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट एडिट टेक्स्ट प्रोफाइल और उसके बाद टर्मिनेटर आ गया, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ नीचे बटन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम कह रहे थे या तो एडिट टेक्स्ट अगर एम्प्टी है या एज वाला एडिट टेक्स्ट एम्प्टी है, एक और लाइन ऐड कर देते हैं, या प्रोफाइल वाला, फिलहाल हम इसको मैंडेटरी कर देते हैं, एडिट टेक्स्ट प्रोफाइल डॉट गेट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट लेकर आए, डॉट टू स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे, डॉट ट्रिम, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग में जो स्पेसेस थे इसको रिमूव कर दे, डॉट इज एम्प्टी, चेक करे क्या वो एम्प्टी है, अगर ऐसा है इन तीनों में से कोई भी काम हो जाए, तीनों में से कोई भी एक एम्प्टी हो, और ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये और का साइन है, सही है? ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। एंड का, एक एंड ऑपरेटर होता है, एक और ऑपरेटर होता है, तो एंड का मतलब होता है कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो एंड ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो एंड ये वाली कंडीशन भी ट्रू, यानी कि सारी कंडीशन ट्रू होगी तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और में क्या होता है कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी, यानी कि ये एम्प्टी हो जाए या ये एम्प्टी हो जाए या ये एम्प्टी हो जाए, तीनों में से कोई भी एक एम्प्टी होगा तो ये वाला कोड इसकी बॉडी के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो रन हो जाएगा, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, तो तीनों में से कोई एक भी एम्प्टी होगा तो रिटर्न कर देगा, रिटर्न का मतलब होता है कि कोड अब नीचे नहीं जाओ, वापस रिटर्न कर जाओ, कहाँ पे रिटर्न कर जाओ, जहां पर इस मेथड को कॉल किया था। ठीक है, तो ये नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एक अच्छा तरीका होता है। अब अगर ऐसा नहीं है, तीनों में से कोई भी एम्प्टी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे क्या करेगा,
नेम को नेम वेरिएबल में स्टोर कर देगा, एज को एज वाले एडिट टेक्स्ट से उठाएगा, एज वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। और इसी तरह से हम लोग एक और यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं, प्रोफाइल, प्रोफाइल का एक वेरिएबल ले लेते हैं। और ये कहाँ से उठ के आएगा, एडिट टेक्स्ट प्रोफाइल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट, यहाँ पे ट्रिम का मेथड कॉल कर देते हैं, डॉट ट्रिम। ट्रिम करने के बाद स्ट्रिंग को स्टोर कर दे प्रोफाइल वेरिएबल के अंदर, ये स्टोर हो गया। उसके बाद क्या करो, इन तीन चीजों को इंसर्ट कर दो, तीन चीजों को इंसर्ट करो। अच्छा, अब ये जो मेथड है ये दो आर्गुमेंट लेता है, तीन आर्गुमेंट नहीं लेता, हमने जैसे इसको डिफाइन किया हुआ है। तो डेटाबेस हेल्पर की क्लास में जाएंगे, इस मेथड को चेंज करेंगे, यानी कि तीन के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले दो आर्गुमेंट ले रहा था, नेम और एज के लिए बनाया था ना, अब इसको चेंज कर देते हैं हम सीवी कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट की और वैल्यू दे दो, यानी कि कॉलम नेम और उसकी वैल्यू दे दो। इसके लिए यहाँ पे जो इंसर्ट रो का मेथड है ये भी तीन चीजें लेगा, नेम एज और स्ट्रिंग प्रोफाइल, सही है। तो कॉलम का नेम क्या रखा था हमने, प्रोफाइल कैपिटल पी से। ये बात याद रखें कि अगर कॉलम का नेम कैपिटल पी से था तो कैपिटल पी से ही करेंगे, नहीं तो बहुत मसले मसाइल आएंगे। प्रोफाइल और वेरिएबल का नेम भी था प्रोफाइल। इस प्रोफाइल के कॉलम के अंदर ये प्रोफाइल जो भी इस वेरिएबल के अंदर यूजर पास करे, यहाँ से जो भी चीज पास हो उसको यहाँ पे जाके पास करे, तो वो जाके डेटाबेस के अंदर प्रोफाइल के कॉलम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो पूरा एक रिकॉर्ड, जब इंसर्ट रॉ का मेथड एक दफा कॉल होगा तो एक रिकॉर्ड पूरा ऐड हो जाएगा। रिकॉर्ड के अंदर तीन चीजें होंगी, पहले दो चीजें थी नेम और एज, अब तीन चीजें ऐड होंगी, नेम एज और प्रोफाइल, तीन चीजें जाके आपके डेटाबेस के टेबल के अंदर तीन चीजें ऐड हो जाएंगी। एक रिकॉर्ड के अंदर ये तीन चीजें ऐड होंगी, नेम एज और प्रोफाइल, दोबारा ऐड करेंगे नेम एज और प्रोफाइल, सही। स्टूडेंट के टेबल पे जाए और ये कंटेंट वैल्यूज को ऐड कर, ठीक है। तो हमने यू आई भी चेंज कर ली अकॉर्डिंगली, और यू आई चेंज करने के बाद अच्छा इसमें क्या एरर आ रहा है, अच्छा हाँ इसके अंदर हमने ये चेंज क्या करना है, हेल्पर डॉट इंसर्ट रॉ, इंसर्ट रॉ का मेथड जो अब दो आर्गुमेंट नहीं लेता, हमने चेंज कर दिया तीन आर्गुमेंट्स लेता। तीसरा आर्गुमेंट क्या है, प्रोफाइल, तो प्रोफाइल को यहाँ पे प्रोफाइल के वेरिएबल को यहाँ से पास करवा दिया, ठीक है। यानी कि यू आई के अंदर यूजर ने नेम एंटर किया है वो नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, एज एंटर किया है एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और जो प्रोफाइल एंटर किया है वो प्रोफाइल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। और हेल्पर डॉट इंसर्ट रॉ का मेथड भी तीन आर्गुमेंट्स लेता है, पहला नेम, दूसरा यानी कि पहला स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वेरिएबल पास करवा दिया, दूसरा इंटीजर, इंटीजर वेरिएबल पास करवा दिया, और तीसरा स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग वेरिएबल पास करवा दिया, सही है। तो अब ये जो चेंज करने के बाद जो पार्ट था ये हमारा कंप्लीट हो गया, हमने डेटाबेस के स्ट्रक्चर में जाके चेंजिंग किए। अब देखें होता क्या है, अब क्या करता हूँ, अब मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ, ठीक है। स्टेथो कॉन्फ़िगर है, और अच्छा दोबारा रन करेंगे ना तो दोबारा हमें जाके उसके अंदर देखना पड़ेगा, कैसे आउटपुट आता है मैं आपसे शेयर करूँ, फिर हम डाटा एंटर करके देखते हैं क्या होता है इसमें। अच्छा ये रन हो गया, इंस्टॉल सक्सेसफुली, इस ऐप की फोल्डर नहीं बन रही, बिल्ड और इंस्टॉल हो रहा है, फोल्डर नहीं बन रही, बाद में देखता हूँ, पहले मैं इसको जो काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ये हाँ मेरे पास आउटपुट आ गया, यूआई भी चेंज हो गया, मैं आपसे शेयर करता हूँ, इस तरह से आउटपुट आया, नेम एज और प्रोफाइल, नेम कर दिया क्या नेम लिखो, असद, और एज कर दी 22, और प्रोफाइल में लिख दिया मैंने विक्टर,
ठीक है, ऐसे मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया। अब मैं सेव पे जाके क्लिक करता हूँ। अब मैंने सेव पे क्लिक किया, नहीं पता डाटा ऐड हुआ है कि नहीं हुआ, सही है। अब जाते हैं स्टैथो पे जाते हैं, ये वेब ब्राउजर शो हो गया और यहाँ पे ये देखें थोड़ी देर पहले मैंने भी किया था, ये देख ये हमारे जो एप्लीकेशन का नेम था यहाँ पे शो हो रहा है SQLite इन क्लास डेमो। इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया, ये डेवलपर टूल की विंडो खुल गई। चाहिए शेयर नहीं हो रही होगी, दोबारा शेयर कर लेता हूँ। न्यू शेयर और ये टूल की विंडो आ गई और यहाँ पे रिसोर्सेज में गए और वेब SQL पे गए, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट DB पे आए और इसके अंदर ये स्टूडेंट का टेबल था, सही। अब देखें यहाँ पे ये कुछ भी शो नहीं हो रहा, ये मैं इसको रिफ्रेश भी कर रहा हूँ, ये कुछ भी इसे मुराद ये जो चेंजेस की थी सॉरी ये शो नहीं हो रही। नेम का कॉलम शो हो रहा है, एज का कॉलम शो हो रहा है, लेकिन इसके बाद जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस की और स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस करने के बाद जो डाटा ऐड किया वो यहाँ पे शो नहीं हो। व्हाट इज द रीजन? अब देखें अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका वर्जन चेंज करके देखता हूँ और यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, डेटाबेस का वर्जन DB हेल्पर की क्लास के अंदर था ना, तो डेटाबेस का वर्जन यहाँ पे था 1 को चेंज करके कर देते हैं 2, सही है। और क्योंकि वो जो पहला जो स्ट्रक्चर था जिसके अंदर 2 3 कॉलम थे वो पुराने वाला स्ट्रक्चर था, अब हमने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, मैंने इसका वर्जन भी चेंज कर दिया 2 कर दिया। ग्रेडल बिल्ड रनिंग में भी थोड़ा सा टाइम लगे, ये एमुलेटर रन हो गया और एंटर योर नेम ZZZZZ, सही है, और एंटर एज 2 और उसके बाद प्रोफाइल, इस पर भी मैं ZZZZZ कर देता हूँ, सही है, जस्ट फॉर चेकिंग। और यहाँ पे मैंने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखिए मैं जाता हूँ स्टैथो के ऊपर, अच्छा स्टैथो को ना दोबारा रन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पहले से यहाँ पे एंटर कर चुका था, ये क्रोम कोलन फॉरवर्ड स्लैश इंस्पेक्ट, तो ये हमारी एप्लीकेशन का नेम आ रहा है और यहाँ पे ये इंस्पेक्ट पे आया और एक नई विंडो ओपन होगी, इसको मैं शेयर कर देता हूँ। ये डेवलपर टूल्स मैंने ओपन कर दिया, सही है। अब देखें ये वेब SQL पे आए और इसके अंदर ये डेटाबेस पे आए और डेटाबेस के टेबल पे आए स्टूडेंट। अब देखें अब क्या हुआ, अब पुराना वाला जो टेबल था वो डिलीट हो गया, नया टेबल बना और नए स्ट्रक्चर के साथ बना, नेम आ गया, एज आ गया और प्रोफाइल आ गया। अच्छा हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि राउंडेड बटन या राउंडेड एडिट टेक्स्ट और एडिट टेक्स्ट की जो विजेट होती है वो विद आइकॉन, ये हमने करना है इसी प्रोजेक्ट के अंदर ही, इसको हम लोग कर लेते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सही है। मैं यहाँ पे आपको जाके बता देता हूँ किस तरीके से होगा। अच्छा कोड पे आ जाते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो पर आ गए, ये सारा काम जो है लेआउट फाइल का काम है, ये मैं Alt+1 प्रेस करता हूँ, ये साइड विंडो मैंने हाइड कर दी। अब ये मेरा फर्स्ट एडिट टेक्स्ट है, ये नॉर्मल एडिट टेक्स्ट है जिस तरह से शो कर रहा होता है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा एडिट टेक्स्ट है थोड़ा सा ये फैंसी हो जाए, फैंसी से मुराद के एक तो ये रेक्टेंगुलर जो है रेक्टेंगुलर ना रहे, राउंडेड हो जाए, इसके कॉर्नर राउंडेड हो जाए और बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, XYZ साइज बड़ा हो जाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइज वगैरह का, कलर का, बैकग्राउंड का तो आपको पता है, लेकिन राउंडेड शायद अभी तक हमने नहीं किया, तो मैं राउंडेड के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें ये जितने भी नोट्स थी मैंने इसको
एक्सपेंड हुई भी थी, खत्म कर दिया था। ऐप पे आए और यहाँ पे रिसोर्स फाइल में आए, रिसोर्स के अंदर ड्रॉएबल में आए, ठीक है, ड्रॉएबल के अंदर एक नई फाइल ऐड कर दें आप और न्यू और ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, सही है, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे फाइल का नेम मांग रहे, तो इसको मैं कह देता हूँ बैक स्टाइल विजिट। विजिट कवर्ड इस वजह से यूज किया है कि किसी भी विजिट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। स्टाइल बनाएंगे बैक स्टाइल विजिट, ये इसका मैंने नाम रख दिया और बाकी तमाम चीज़ों को ऐसे ही रखा और इसको मैंने ओके कर दिया। सही, ओके किया तो यहाँ पर देखें एक इसने फाइल बना दी एग्जाम्पल की और इस एग्जाम्पल की फाइल के अंदर सिलेक्टर का टैग है, बेसिकली हमें ये यूज़ नहीं करना। यहाँ पे ये सिलेक्टर को चेंज करके हम लोग कर देते हैं शेप, ठीक है, शेप बनानी है और इस शेप को हम एज अ बैकग्राउंड शेड सेट कर देंगे, ठीक है। शेप के अंदर हम लोग करते हैं इसे सॉलिड, जिस तरह बैकग्राउंड सॉलिड फिल करते हैं हम लोग सॉलिड, और इसका कलर सेट कर देते हैं एंड्रॉयड और इसके अंदर कलर के अंदर ऑरेंज डार्क आ गया, ऑरेंज डार्क के लिए ये कलर भी अच्छा है, इसको यूज कर लेते हैं, ये बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। अब इसके ये जो कॉर्नर है, वैसे तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसके ये जो कॉर्नर है इसको हमने क्या करना है, इसको क्या होगा, इसके जो कॉर्नर है इसको मैं चाहता हूँ कि राउंडेड हो जाए, कॉर्नर ना रहे राउंडेड हो जाए, इसके लिए कॉर्नर्स का टैग होता है, कॉर्नर्स के टैग के अंदर इसका जो रेडियस है, जैसे सर्कल होता है सर्कल का रेडियस होता है, जैसे इस शेप का जो रेडियस है इसको मैं कर देता हूँ, अगर मैं करूँ 20 dp से थोड़ा सा राउंड हो गया, अगर इसको 30 करता हूँ, 30 से थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, टैग को यूज़ कर देते हैं, इसको अगर करता हूँ 40 dp से देखिए थोड़ा सा ज़्यादा अराउंड हो गया, सही है, शेप ली और शेप का मैंने कॉर्नर के अंदर रेडियस डिफाइन कर दिया 40 dp और सॉलिड कलर फिल कर दिया इसके अंदर जो है हॉलो ऑरेंज डार्क। आप अपने मर्जी से कोई कस्टमाइज कलर करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, मैं तो यहाँ आपको एक तरीकेकार बता दूंगा, बाकी डेफिनेटली कलर भी चेंजेबल है और ये जो रेडियस है ये भी चेंजेबल है, आप लोग इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, सही है। तो मैंने एक रिसोर्स फाइल जाके ऐड की, ड्रॉएबल में गया, ड्रॉएबल पे राइट क्लिक किया, न्यू पे गया और न्यू पे जाके मैंने ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल ऐड कर दी, उसका एक नाम रख दिया। तो ये रिसोर्स फाइल बेसिकली एक एग्जाम्पल फाइल होती है, बैक अंडरस्कोर स्टाइल अंडरस्कोर विजिट डॉट एग्जाम्पल, ये फाइल का नेम है और इसके अंदर एक शेप का टैग डिफाइन कर दिया, शेप के टैग के अंदर कलर सॉलिड कर दिया और कॉर्नर्स मैंने इसके डिफाइन कर दिए 40 dp, उसका रेडियस दे दिया, सही है, रेडियस 40 dp किया तो ये जो शार्प कॉर्नर्स है ये थोड़े से राउंडेड हो गए, ठीक है, मजीद राउंडेड भी कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, सही। अब मैं ये अपनी लेआउट फाइल के ऊपर आता हूँ जिसपे चेंज करना है, तो ये एडिट टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ कि राउंडेड हो जाए, तो इसका ये जो बैकग्राउंड होता है, ये जो बैकग्राउंड होता है इसको हम लोग ड्रॉएबल फाइल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, सही है, एज अ ड्रॉएबल। तो ड्रॉएबल में गए, यहाँ पे मैंने बैक स्टाइल विजिट ये मैंने डिफाइन किया, सही है, ये आ गया, अच्छा ये ना थोड़ा सा बिल्कुल पतला सा लग रहा है, ठीक है, ये जो विजिट है इसको मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी ना एक्सपेंड हो जाए, तो इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए मैं पैटिंग डिफाइन करूँगा, आप डेफिनेटली इसका साइज पे भी जाके डीपी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पैडिंग डिफाइन कर दूंगा। पैडिंग में क्या होगा, पैडिंग में इसकी कर देता हूँ, पीस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैं 13 कर देता हूँ, ठीक है, बल्कि 12 कर देता हूँ, 12 बहुत है, 12 dp,
पैडिंग मैंने इसकी 12 TB कर दी, तो ये दो लाइंस मैंने जाके ऐड किए। इसी तरह से एडिट टेक्स्ट में गया तो सेम लाइंस ही ऐड करनी है। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके मैंने कर दिया कंट्रोल बी। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन डिफाइन कर दें ताकि ये लेआउट मार्जिन इज इक्वल टू 10 dB। चलिए तो तीन लाइंस ऐड कर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी जो मार्जिन ऐड करूंगा ना तो ये स्पेस और भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि 10 इसकी है और 10 इसकी हो जाएगी। अच्छा, ये देखें, मैं आप रिसोर्स फाइल में जाता हूँ वापस। ये देखें, ये मैंने रेडियस कर दिया था ना, अब रेडियस का मतलब तमाम कॉर्नर्स का रेडियस। इसमें देख लें, अगर अब देखें ना, बॉटम रेडियस कौन सा रेडियस आपने डिफाइन करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर चाह रहे हैं कि एक या दो साइड का जो है, ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कॉर्नर्स रेडियस इज इक्वल टू 40 dB किया था ना, अब मैं क्या करता हूँ, टॉप लेफ्ट का मतलब ये वाला कॉर्नर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ टॉप लेफ्ट का हो जाए और बॉटम टॉप राइट का हो जाए और बॉटम लेफ्ट का हो जाए। तो टॉप राइट को कह दिया मैंने 40 dB और टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट रेडियस ये भी मैंने कर दिया 40 dB। तो आपके ऊपर है ना, आप कैसी शेप बनाना चाह रहे हैं। सही है, तो देखिए, अब ये पहले रेडियस कर रहा था तो रेडियस का मतलब हो रहा था टॉप लेफ्ट टॉप राइट टॉप लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट, सारे रेडियस 40 कर रहा था। अब एक रेडियस करना है, आप चाह रहे हैं कि ये टॉप राइट को मैं राउंडेड कर दूं और बॉटम लेफ्ट को मैं राउंडेड कर दूं। तो टॉप राइट को मैंने कर दिया और बॉटम लेफ्ट को 40 dB डिफाइन कर दिया। सही है, तो आपकी जो क्यूरी थी ये भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, तो अब देखिए, अब जब इसको डिफाइन करेंगे ये कुछ इस तरह का स्टाइल बनेगा, जो ज़्यादा ही स्टाइलिश हो गया ये। सही है, अच्छा ये हो गया। और तीसरा था एंटर प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर भी यही काम करते हैं। ये तीन लाइंस को कॉपी किया और ये पेज में तो हो गया था, और ये प्रोफाइल में जाके भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। सही है, तो प्रोफाइल का स्टाइल भी कुछ ऐसा हो गया। उसके बाद बटन पे जाएं, बटन पे भी हम कुछ ऐसे ही चाह रहे हैं, तो आप बटन पे भी ऐसे ही कर दें, बटन भी इसी तरह का बन जाएगा। सही है, अच्छा टेक्स्ट ना ये बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, ये इसको ना ब्लॉक लेटर्स में ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया कि ब्लॉक लेटर्स को चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट ऑल कैप्स इज इक्वल टू, ये मैं लाइन डिलीट कर दी, अब ये जो है ना ब्लॉक लेटर्स में। सही है, तो ये राउंडेड बटन्स तो हमारे बन गए। अच्छा, राउंडेड भी नहीं है बल्कि कुछ ज़्यादा स्टाइलिश हो गए, ये ऑरेंज कलर के बन गए। ये रन होता तो इसको उस पर देख लेते हैं क्या बने। अच्छा, एक काम तो ये हो गया, दूसरा काम हमने क्या करना था कि हम चाहते हैं कि ये विजेट के अंदर ही ना एक छोटा सा इमेज या आइकॉन आ जाए, इमेज या आइकॉन शो हो जाए। इसको ये इंस्टॉल कर रहे हैं, चले इसकी पहले आउटपुट देख लेते हैं। तो स्टाइल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, कलर आपको चूज करना है, आपकी यूआई अच्छी है अगर, या यूआई आप अच्छे डिज़ाइनर हैं तो आप इसको कर सकते हैं। कलर डिफाइन करना पड़ेगा, रेडियस वगैरह चेंज करना पड़ता है, तो बहुत आराम से ये सारे काम हो जाते हैं। जी आप इसको ऑरेंज लाइट भी कह लें, कुछ भी कह लें, अपना नेम देने का। तो ये एंटर नेम, और यहाँ पर आप एज एंटर कर दें। ठीक है, आप इसके सेव पे क्लिक करेंगे तो ये जाके सेव हो जाए। ठीक है, ये बन गया।
अब चाहते हैं कि हम इस विजेट के अंदर जाके जो है इमेज को ऐड कर दें, उसको भी देख लेते हैं। कीबोर्ड पे आ जाते हैं, अब एडिट टेक्स्ट में आए, एडिट टेक्स्ट में आए और एडिट टेक्स्ट के अंदर हमने इसकी एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे टेक्स्ट साइड करने के लिए, यहाँ पे इमेज सेट करने के लिए, वो कहलाती है ड्रॉएबल लेफ्ट। हम चाह रहे हैं लेफ्ट पे, लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं, या ड्रॉएबल स्टार्ट कर लें, ड्रॉएबल स्टार्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करें आप रिसोर्स में जाएं, ड्रॉएबल में जाएं, न्यू, और यहाँ पे आप इमेज एसेट ले लें, वेक्टर एसेट लें, और यहाँ पे आप क्लिप पार्ट सेलेक्ट है, सही है, क्लिप पार्ट में जाएं, ये भी आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल किस चीज़ का बटन है कुछ नहीं पता, कोई भी मैं आइकॉन ले लेता हूँ यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये है, ड्राफ्ट में ले लेता हूँ, ओके कर दिया, ड्राफ्ट ओके कर दिया, और इसका नाम मैंने रख दिया icon_, और drft ड्राफ्ट, और किस पे लगा रहा हूँ, नेम, नेम पे लगा, ठीक है, ऐसे मैंने नेम रख दिया, और इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया, इसको मैंने फिनिश कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्राफ्ट नेम डॉट एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ड्रॉएबल, ये ड्रॉएबल स्टार्ट इज इक्वल टू एड ड्रॉएबल, और यहाँ पे आईसी ड्रॉफ में ये आ गया। अब देखिए स्टार्टिंग में ये एक आइकॉन भी शो हो रहा है। बाज़ औक़ात क्या होता है, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिख रहे होते बल्कि इसको एज अ इमेज यूज कर रहे होते हैं, तो इमेज को देख के यूजर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है।